जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है डी स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो लिखा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये 5 दे रखे क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले अपने स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट नंबर से। क्या लिखा है? 2 ब्लैक A1। ये हमारे पास कितना है? A2। और ये कितना है? A3। देखो ए हमारे पास K1 है, कितना लिखा है? 2 लिखा है इधर। ए हमारे पास कितना है? 2। A3 कितना हो जाएगा? देखो ए प्लस में 2D और ए प्लस में 2D कितना दे रखा है? A3 अपने को 26। तो अब देखो A3 कितना है? ए प्लस में 2D कितना लिखा है? 26। अब देखो ए प्लस में 2D इक्वल टू में 26। यहाँ ए लिखा हमने 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू में 26। अब ये 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? देखो 2D इक्वल टू में 26 माइनस में 2, 2D कितना हुआ? 24। D हमारे पास कितना आ गया? देखो 24 अपॉन में 2 कितना हुआ? 12। अब देखो हमें फाइंड करना है A2। A2 कितना होता है? A प्लस में D। तो A2 कितना हो जाएगा? A प्लस में D। A हमारे पास कितना है? देखो 2 प्लस D हमारे पास कितना है? 12। 12 प्लस में 2 कितना हुआ? 14। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास कितना आ गया? 14। देखो 2 और 14 में कितना हुआ? 12 का गया, फिर 12, 14 प्लस में 12, 26। तो ये हो गया अपने फर्स्ट का आंसर। अब अपने सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर। देखो सेकंड नंबर क्या लिखा है? सबसे पहले दे रखा हमें बॉक्स, फिर दे रखा 13, उसके बाद फिर बॉक्स, उसके बाद दे रखा नंबर 3। देखो इस बार हमारे पास 4 बॉक्स दे रखे हैं। कौन कौन से अपने पास? देखो पहले स्टार्टिंग में ब्लैंक्स, फिर 13 कोमा, फिर बॉक्स और फिर कितना है? 3। ये देखो ये क्या होता है? A1, A2, ये कितना है? A3 और ये कितना है? A4। तो देखो A2 हमारे पास कितना है? 13। तो A2 को अपने क्या लिख सकते हैं? A प्लस में D कितना हो गया अपने पास? 13, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो A4 हमारे पास कितना है? 3। A4 कितना है? 3। तो A प्लस में 3D हमारे पास कितना हो जाएगा? 3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में से अपने क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 माइनस, देखो इक्वेशन या समीकरण, समीकरण 2 में से 2 माइनस इक्वेशन, या जिसको अपने लिख सकते हैं समीकरण कौन सी? 1। अब देखो 2 में से हमें इक्वेशन 1 माइनस करना है, कितना हो जाएगा? देखो ए प्लस में 3D इक्वल टू में कितना आया? 3। ए प्लस में D हमारे पास कितना हो गया? देखो 13। ए प्लस में डी कितना है? 13। अब देखो यहाँ प्लस से, यहाँ प्लस से ये कट नहीं हो रहा। जब यहाँ कट नहीं हो तो हमें सबके साइन क्या करना है? इधर चेंज करना है। तो यहाँ प्लस माइनस कट हो जाएगा इधर। 3D में से जब डी के आगे कुछ नहीं लिखा तो कितना है? 1D। 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2D। अब देखो यहाँ आ गया 2D, माइनस का 13 प्लस का 3, माइनस में कितना हो गया? 10। हमारे पास यहाँ कितना है? माइनस में 10। तो डी इक्वल टू में कितना आ गया? माइनस में 10 अपॉन में 2 कितना हो गया? माइनस 5। अब देखो ए हम डी हमारे पास कितना आ गया? देखो माइनस का 5। अब इस डी की वैल्यू अपने क्या इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में भी पुट कर दो और हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो डी की वैल्यू हमारे पास कितना आया? माइनस 5। इक्वेशन 1 में डी वैल्यू डी 14 इक्वेशन 1, वैल्यू डी 14 इक्वेशन 1, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो डी का मान अपने कहाँ रख रहे हैं? समीकरण नंबर 1। कितना लिखा है? ए प्लस में डी इक्वल टू में 13। डी हमारे पास कितना है? माइनस 5 इक्वल टू में कितना हुआ? 13। तो देखो ए इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 13 प्लस में 5, 13 प्लस 5 कितना हुआ? 18। 13 प्लस में 5 हमारे पास कितना आ गया? देखो 18। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? ए आ गया हमारे पास 18। अब हमें फाइंड करना ए वन। देखो ए वन कहो या ए कहो, तो ए तो हमारे पास आ गया, इसको अपने ए वन भी लिख सकते हो और ए भी लिख सकते। कितना आ गया अपने पास? 18। अपने को फाइंड करना है ए थ्री। देखो अब अपने को फाइंड करना है कितना? ए थ्री। तो ए थ्री कितना होता है? ए प्लस में 2D। ए थ्री कितना हो जाएगा? ए प्लस में 2D। देखो ए हमारे पास कितना आ गया? 18 और
प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 5। अब देखो ए हमारे पास आया 18, डी हमारे पास है माइनस 5, तो 18 माइनस 10 कितना आ गया अपने पास 8। तो देखो ये हमारे पास आया था 18, ये हो गया 13, फिर 8 और 3, देखो माइनस 5 का डिफरेंस चल रहा है, 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, राइट है। अब अपने फाइंड करेंगे इसी का थर्ड नंबर, देखो थर्ड नंबर क्या लिखा है 5, फिर बॉक्स बना रखा है उसके बाद फिर बॉक्स, और फिर हमें वैल्यू दे रखी है 9 1/2। देखो थर्ड नंबर हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है इसमें 5 कॉमा बॉक्स, फिर हमें इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करना है, कितना लिखा है 9 1/2। तो ये क्या होता है ए या ए वन, ये ए टू, ए थ्री और ये ए फोर। देखो हमें मेनली क्या चाहिए, ए और डी की वैल्यू, जब ये दोनों वैल्यू अपने पास आ जाए तो अपने इजीली ए टू, ए थ्री, ए सिक्स, ए सेवन, चाहे कोई वैल्यू गिवन हो अपने इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए 50 भी लिखा आ जाए तो ए प्लस 40 90, बस हमें मेन क्या चाहिए ए और डी की वैल्यू। तो देखो ए हमारे पास कितना है अपने पास 5, ए 4 कितना हो जाएगा 9 1/2। तो देखो 9 2 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन में 2। ए 4 को अपने क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3D इक्वल टू में 19 अपॉन 2। ए हमारे पास कितना है देखो 5 प्लस 3D इक्वल टू में 19 अपॉन 2, 3D कितना हो जाएगा 19 अपॉन में 2 माइनस 5 अपॉन 1। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 की टेबल में 2, 1 टाइम्स 1 की मल्टीप्लाई 19 से कितना हो जाएगा 19, 1 की टेबल में 2, 2 टाइम्स 2, 5 जा 10, तो 19 माइनस में 10 कितना हुआ 9 अपॉन 2। यहाँ कितना लिखा है 3D, तो D इक्वल टू में कितना आ जाएगा 9 अपॉन 2, यहाँ मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो कितना हुआ मल्टीप्लाई 3। अब देखो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया अपने पास में 3 अपॉन में 2। देखो A की वैल्यू है अपने पास, D की वैल्यू कितना आ गया 3 अपॉन में 2, D हमारे पास कितना आ गया 3 अपॉन में 2। अब देखो अब अपने इजीली क्या ए टू ए थ्री अपने फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, ए टू कितना हो जाएगा ए प्लस में डी, ए टू हमारे पास कितना हो जाएगा देखो ए प्लस में डी, ए हमारे पास कितना है 5 प्लस में डी हमारे पास कितना है 3 अपॉन 2। देखो एलसीएम लिया हमने कितना आ गया 2, 1 की टेबल में 2, 2 टाइम्स 2, 5 जा 10, तो यहाँ कितना हुआ 10 प्लस 3, 13 अपॉन 2। यहाँ हमारे पास ए टू कितना आ गया देखो 13 अपॉन में 2, 13 अपॉन में 2 आ गया अपने पास। अब अपने को फाइंड करना है ए थ्री कितना हो जाएगा ए प्लस में 2D, ए प्लस में 2D। देखो ए कितना अपने पास 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना अपने पास 3 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 प्लस में 3 कितना हुआ 8, तो ए 3 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 8। देखो अगर अपने 3 अपॉन 2 को सोल्व करें तो होता है 1.5, 5 प्लस 1.5 होता है 6.5, 6.5 प्लस 1.5 होता है 8, और 8 प्लस 1.5 होता है 9.5। देखो 9 1/2 को अपने लिख सकते हैं 9.5, तो ये हो गया अपने थर्ड का आंसर, कौन सी वैल्यू आई 13 अपॉन 2 और 8। अब अपने डिस्कशन करेंगे इसी का फोर नंबर पार्ट। देखो फोर नंबर में क्या लिखा है, यहाँ हमारे पास दे रखा है फोर नंबर क्वेश्चन में -4, फिर 1 2 3 4, इस बार कितने बॉक्स दे रखे हैं 4 बॉक्स दे रखे हैं हमें, और फिर हमें दे रखा है 6। तो देखो ये कितना हो गया A1, ये A2, A3, A4, A5 और ये A6। हमारे पास A गिवन है कितना है -4, A6 हमारे पास है कितना है देखो A6 इक्वल टू में 6, तो A6 कितना हो जाएगा देखो ए प्लस 5D कितना है 6, ए की वैल्यू हमारे पास अपने कितना है -4, यहाँ हमने पुट किया इक्वल टू में कितना आ गया 6, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस में 6 प्लस 4, देखो 6 प्लस 4 कितना हुआ 10, 5D इक्वल टू में कितना आ गया 10, D की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 5, D की वैल्यू अपने पास कितना आ गया 2।
अब देखो, अब अपने पास चाहे ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव जितने टर्म है अपने इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास ए भी आ गया और अब डी भी आ गया। देखो अब अपने को फाइंड करना है ए टू, तो ए टू कितना हो जाएगा ए प्लस डी, ए टू कितना हो जाएगा ए प्लस डी। तो देखो ए टू कितना हुआ ए प्लस डी, ए हमारे पास है माइनस फोर प्लस में टू। देखो दोनों साइन क्या है डिफरेंट है, एक प्लस में और एक माइनस में। जब दो डिफरेंट साइन चले तो माइनस करना है, फोर माइनस में टू टू, बिगर वैल्यू का साइन माइनस तो माइनस में टू। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया माइनस में टू। अब देखो ए थ्री कितना हो जाएगा ए प्लस में टू डी, कितना हो जाएगा देखो माइनस फोर प्लस टू मल्टीप्लाई डी कितना है टू। अब देखो माइनस फोर प्लस फोर सेम साइन है और नंबर आ जाए, देखो प्लस फोर और माइनस फोर, देखो जब नंबर सेम और डिफरेंट साइन आ जाए तो अपने इसको क्या कर देंगे कट कर देंगे, फोर माइनस फोर जीरो। तो यहाँ अपने पास कितना आ गया जीरो, ए फोर कितना हो जाएगा ए प्लस में थ्री डी, ए कितना है माइनस फोर प्लस थ्री डी, तो थ्री मल्टीप्लाई डी कितना है टू, माइनस फोर प्लस सिक्स। देखो सिक्स में से फोर माइनस करेंगे कितना आएगा प्लस का टू, तो यहाँ अपने पास कितना आ गया प्लस का टू। तो देखो ये आ गया आंसर, ए फाइव कितना हो जाएगा ए प्लस में फोर डी, ए कितना अपने पास माइनस फोर प्लस फोर मल्टीप्लाई टू कितना हुआ माइनस फोर प्लस में एट, एट माइनस फोर कितना हुआ फोर, तो यहाँ अपने पास कितना आ गया फोर। तो देखो माइनस फोर माइनस में टू जीरो टू फोर और सिक्स सेम चल रहा है। देखो डिफरेंस कितने का टू का, माइनस फोर प्लस में टू माइनस टू, माइनस में टू प्लस में टू जीरो, जीरो प्लस में टू टू, टू प्लस में टू फोर और फोर प्लस में टू सिक्स। जो हमने आंसर निकाला वो हमारा क्या है राइट। अब अपने डिस्कशन करेंगे लास्ट इसी का। देखो फाइव नंबर क्या लिखा है इस बार हमारे पास, फर्स्ट क्या है ब्लैंक्स दे रखा है हमें, दे रखा है ए टू, उसके बाद फिर हमें थ्री बॉक्स दे रखे हैं, उसके बाद हमें दे रखा है ए सिक्स। देखो यहाँ फाइव नंबर क्या लिखा है बॉक्स, फिर लिखा है थर्टी एट, उसके बाद वन टू एंड थ्री, कितने बॉक्सेज है थ्री बॉक्सेज, और फिर कितना लिखा है माइनस में ट्वेंटी टू। अब देखो यहाँ ए वन हुआ ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव और ए सिक्स। देखो जब हमारे पास ए वन दे दिया जाए तो अपने सीधा उसमें इक्वेशन पुट करते हैं डी, हमारे पास इजीली आ जाता है। लेकिन जब हमने इसमें देखा थर्ड नंबर में, और देखो थर्ड नंबर ये कैसा था जहाँ ए टू था ए फोर था, वहाँ हमने इक्वेशन को बैलेंस किया एज इट इज़, हमें इसमें भी क्या करना है इक्वेशन को बैलेंस करके सॉल्व करना है। देखो कैसे, ए टू हमारे पास कितना है थर्टी एट, तो ए टू को अपने क्या लिख सकते हैं ए प्लस में डी कितना हुआ थर्टी एट, इसको अपने क्या देंगे इक्वेशन नंबर वन। फिर देखो हमारे पास कितना है ए सिक्स, ए सिक्स कितना है माइनस में ट्वेंटी टू, तो ए प्लस में फाइव डी हमारे पास कितना आ गया माइनस में ट्वेंटी टू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अपने क्या करना है सेकेंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन कौन सी करना है समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, कितना हो जाएगा देखो ए प्लस में फाइव डी कितना है माइनस में ट्वेंटी टू, और ए प्लस में डी कितना है अपने पास थर्टी एट, कितना लिखा है यार थर्टी एट। देखो ये दोनों कट नहीं हो रहे तो हमें साइन चेंज करना, जब साइन चेंज करेंगे तो सबकी हमें साइन चेंज करना है। तो यहाँ ये कट हो जाएगा फाइव माइनस वन फोर डी, माइनस में ट्वेंटी टू माइनस का थर्टी एट, एट प्लस में टू कितना हुआ टेन, थ्री प्लस में टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, तो माइनस का सिक्सटी। डी की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस सिक्सटी अपॉन फोर, माइनस का फिफ्टीन। अब देखो डी हमारे पास कितना आ गया माइनस का फिफ्टीन। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ए की वैल्यू अपने कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, अपने दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ लिखा था ए प्लस में डी इक्वल टू में थर्टी एट, तो यहाँ हमने डी की वैल्यू पुट कर दी माइनस फिफ्टीन, और यहाँ कितना हुआ थर्टी एट, तो ए इक्वल टू में कितना आ गया थर्टी एट प्लस फिफ्टीन, थर्टी एट प्लस में फाइव कितना हुआ फोर्टी थ्री, फोर्टी थ्री प्लस में टेन कितना हुआ फिफ्टी थ्री, तो कितना आ जाएगा अपने पास फिफ्टी थ्री। तो ए हमारे पास कितना हुआ फिफ्टी थ्री। अब देखो ए और डी आ गया तो अपने इजीली सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो क्या करना है आपको, अब हमें फाइंड करना है ए थ्री ए फोर और ए फाइव। ए थ्री कितना हो जाएगा ए प्लस में टू डी, ए हमारे पास कितना है फिफ्टी थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस फिफ्टीन, कितना हो जाएगा फिफ्टी थ्री माइनस थर्टी
कितना आ जाएगा 23। तो ए 3 हमारे पास कितना है 23। ए 4 कितना हो जाएगा ए प्लस में 3d। ए हमारे पास कितना है 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 15। तो 53 माइनस 45 कितना आ गया अपने पास 8। 13 माइनस 5 8, 4 माइनस 4 0। तो हमारे पास ए 4 कितना आ गया देखो 8। अब हमें फाइंड करना है ए 5। तो ए 5 कितना हो जाएगा ए प्लस में 4d। ए हमारे पास कितना है 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी हमारे पास कितना है देखो माइनस 15। तो 53 माइनस 60 कितना आ गया अपने पास माइनस का 7। यहाँ कितना हुआ माइनस 7। देखो डिफरेंस है इस बार माइनस का 15। 53 में से माइनस किया 15 कितना हुआ 38। 38 में से फिर माइनस किया 15 23। 23 में से फिर माइनस किया कितना हुआ 8। 8 में से फिर माइनस 15 किया माइनस 7। और माइनस 7 में से फिर माइनस 15 किया कितना हुआ माइनस 22। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला वो सारा हमारा राइट है। तो ये हो गया आपने क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट से हमें फाइंड करना था ए 2, ए 3, ए 4, ए 5 या ए 1 जो भी था और डी, वो सब हमने इसमें फाइंड कर लिए। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।